आजि रही जो एडीजी संजीव पटांग को प्रेस जो प्रेस ब्रीफिंग रहितला सांबादिक सम्मेलन रहितला ठीक मोर मने पड़छे पाखा पाखी 6 मास तले परी केस को ने अरुण बत्रा जेंती सांबादिक सम्मेलन करी जामुकली गप कहितले आजि एडीजी संजीव पटांग जो प्रेस मीट रहितला एबो खास करे दिव्या भारती को जो संपृक्ति एबो डीएफओ मनमत रोसिया को जो रोसियार मनमत को जो क्लीन चिट मतलब को जी पाखा पाखी सेई बडा किछि पूर्ण तरह सृष्टि करछि परिवेश कि प्रेस ब्रीफिंग त कले कितो जो क्लीन चिट एबो जो बयान रहितला मृत्युकाल जमानबंदी को ने प्रश्न एबो तापरे जदि देखिबा विद्या भारती को जो संपृक्ति एबो तांको विरुद्ध जो एक्ट कोटा कोटे पूरा स्थिति को आहुरी गोलमेला कर दे छि। देखो तो नीलिमा गोटे कथा कही पारिबा कि जो विद्या भारती प्रसंग को नहीं जितेबले एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना को नहीं सारा राज्यवासी अपेक्षा रही राज्यर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच घटनार तदंत करुची एवं कौन न्याय दब से एडीजी संजीव पंडा आज जो सांबादिक सम्मेलन करिसेंती निश्चिंत हबे से सीधा सड़क क्राइम ब्रांच को विवाद को आनी कहले कि भूल हबो नाही कारण से सांबादिक सम्मेलन करा जाई एथिरे से कहिसेंती कम बेसी लुचाई कारण आपण देखंतु यही घटना रे प्रथम रु ही विवाद को आसी जे कि राज्य सरकार पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा विक्रम केशरी आरुक एवं डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा जी अच्छा सी मध्य विवाद को आसी किंतु गोटे कथा ये वर्तमान जो सांबादिक सम्मेलन करागला एथिरे डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा एवं जी अच्छा रोसैया मनमत कुंभ को क्लीन चिट दिगला अर्थात विद्या भारती कांधरे बंदूक रखी डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा को एक प्रकार खसई दिगला जो अभियोग हो चर्चा हो सीधा सड़क आज पदार पड़ जावाद को आसी राज्य सरकार गृह विभाग एवं राज्य सरकार सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच कारण आप देखु प्रथम रु ही क्राइम ब्रांचर तदंत को नहीं प्रश्न उठाई पर लोक जी अच्छा सौम्य बापा अभिराम महापात्र सीए मध्य घटना को नहीं हाइकोर्ट को द्वारस्थ होती घटनार सीबीआई तदंत दाबी करण हाइकोर्ट जो सन्देह सीबीआई तदंत दाबी शिवानंद कोर्ट ना कोर्टी सठिक बोली हमें कही परिबा कि कारण से जो संदेह करते कि पुलिस तो पुलिस एवं क्राइम ब्रांच तदंत पर भरोसा नहीं आज एडीजी के प्रेस मीट से कोर्ट ना कोर्ट बयान कर देखंतु नीलिमा ये स्पष्ट हो जाए देखंतु आज जो कथा एडीजी संजीव पंडा सांबादिक सम्मेलन करती से सीधा सड़क क्लीन चिट देखते कि प्रश्न उठू आप देखिथे यही घटना को क्रमगत भाव अर्गस जपरी भाव प्रसारण कर एसडीपीओ जितेबाला बयान देते जितेबाला घटनार पारला खेमुड़ी पुलिस तदंत करुला एसडीपीओ जो बयान देते से बयान को आप मन रखु सीधा सड़क से कही कि विद्या भारती एसटीएफ सौम्यर वैवाहिक संपर्क बहुत भल था अर्थात मृत्युकालीन जमानबंदी देवा समय रे से एक स्वीकार करते पारला खेमुंडी एसडीपीओ कही तेज ये प्रश्न उठू जितेबाला पारला खेमुंडी एसडीपीओ गोटे कथा कहते क्राइम ब्रांच एडीजी गोटे कथा कहते तत्कालीन एसपी तपन पट्टनायक आउ गोटे कथा कहते आईआईसी विवेकानंद स्वाई गोटे कथा कहते तेणु कौटी ना कौटी घटन गोटे जे गोटे बुढ़ियाणी जालपरी गुड़े हो रही या कहले कि भूल हम ना कारण आप देखु आज जपरी भाव क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा जो सांबादिक सम्मेलन करते से स्पष्ट भाव कहते विद्या भारती कौन सी प्रकार साहय करते जो प्रकार लोक डाक कथा ताकि तेज ये प्रश्न उठू जदि विद्या भारती से कथ कर तेज रोसैया मनमत कुंभ किमी हठात आसी पहुंची डीएफओं क्वार्टर में ओआईसी ममता पंडा जी अच्छा सी कमी आसी पहुंची मंत्री विक्रम आरुक को माने नजर आड़वाड़ हटेबापी एगोटा गोटे प्री प्लान कि केवल विद्या भारती ही टारगेट रही अन्य को खासकर विक्रम केशरी आरुक एवं डीएफओ को खसैबापी यहाँ गोटे प्रस्तुति कि ब्लू प्रिंट कि यहाँ आपण देखंतु ये घटनार प्रथम रु ही विक्रम केशरी आरुक जी अच्छा जंगल विभाग मंत्री सी विवाद को आसी आज आम तर प्रतिक्रिया ने चेष्टा करूँ किंतु से बूम को एड़ाई चली जाइए किंतु गोटे कथा ये कहपर जितेबाला विक्रम केशरी आरुक भूमिका को नहीं जैक सौम्य बापा अच्छा अभिराम महापात्र प्रश्न उठाई सीधा सड़क से कही कि समस्त घटनार कंट्रोल सीधा सड़क उपर महलू जेहेतु ये घटना पथर में रक्त चंदन तस्करी कथ रही जे सौम्यरंजन महापात्र थिले से किसी गाड़ी सीज करते जब से गाड़ी की सीज करते से घटना पर एक प्रकार राग रखिक राति ड्यूटी कराला तेणु गोटे कथा ये कहींपर जितेबाला पर लोक जो अभोग आणुंत निश्चिंत भाव आपको ग्रहण करार आवश्यक
କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭରସା ନଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଯେପରି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆଜି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର କଥା କି ଏହି ଘଟଣା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ଆକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନି, ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ଆଜି ଏଡିଜିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟାକୁ କୋର୍ଟ ନା କୋଟି ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି।